तो खुद हमारे साथ वो शिकायत करता जुड़ गए हैं राहुल तिवारी, जिन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राहुल तिवारी, सबसे पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी जुबानी, 1 तारीख को जब विनय तिवारी आपको लेकर गया था विकास दुबे के पास, उस वक्त क्या कुछ हुआ था? राहुल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं राहुल, पूरा उत्तर प्रदेश आपको देख रहा है, सुन रहा है। आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे उस दिन की कहानी जब आपको विनय तिवारी अपने साथ लेके गया था विकास दुबे के पास, आपको धमकाया गया था, राइफल तान दी गई थी, क्या कुछ हुआ था, आपकी जुबानी। अरे कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। राहुल तिवारी, सबसे पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी जुबानी, 1 तारीख को जब विनय तिवारी आपको लेकर गया था विकास दुबे के पास, उस वक्त क्या? अरे उस वक्त क्या, उन्होंने मुझको बहुत मारा पीटा और मार पीट करके, और उनसे बोले कि मारा पीटा जब, तब यशो साहब ने मुझे बचाया, यशो साहब ने मुझको बचाया बचा करके, और उनसे बोले कि जो मैं बोलूं हमसे भी बोलने, जो मैं गंगा जल दिया और बोले जो मैं बोलूं वो आप भी बोलना, तो हमने कहा भैया जो कहोगे वो बोलूंगा। और उसके बाद फिर तमाम प्रकार की बातें हम धीरे धीरे अपन करते रहे, हम लोग क्या जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उन्होंने हमसे कहा कि ले लो अपनी मोटरसाइकिल ले जाओ और ले करना, और दस्तखत करवा लिए हमसे, और दस्तखत करवा करके हमसे हमारी मोटरसाइकिल दे दी, और उसके बाद हम थाने में पब्लिक के सामने दी, उसकी कार्रवाई करने पुलिस गई, तो पुलिस पे उन्होंने हमला बोल दिया और पुलिस को मारा पीटा भी, जान से मार दिया 8 पुलिसकर्मियों को। सबसे में इतना भयभीत है कि भयभीत हो गए। उसके बाद हम कप्तान साहब के पास गए, हमने कहा साहब हम बहुत भयभीत हैं और हमारी सुरक्षा, तो कप्तान साहब ने हमको सुरक्षा का गार्ड व्यवस्था की और भी व्यवस्था करके, उसके बाद हम जब थाने आए, थाने से सुरक्षा कर्मी को लिया, उसके बाद अपने घर आ गए हम, और अब हम ठीक है ना। राहुल, ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि विनय तिवारी को सस्पेंड किया जा चुका है, मुखबिरी का आरोप भी है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को यह बताएं कि विनय तिवारी जब आपको विकास दुबे के घर ले जा रहा था, उस वक्त आपने कहा था क्यों मुझे घर लेके जा रहे हो, क्या हो गया, कानून की प्रक्रिया का वहां पर पालन नहीं किया जा रहा था, आप उस वक्त डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्या क्या आपके मन में चल रहा था उस वक्त? नहीं नहीं, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमको घटना स्थल पर ले गए थे, और अगर ये मुझे भयभीत होते ना हम इतना तो वहां जाते ही नहीं, लेकिन साहब साथ में थे तो इसलिए हम इतना भयभीत नहीं थे कि साहब साथ में, साहब को भी ये नहीं पता था कि ऐसी घटना घट जाएगी, और ये घटना घट गई तो ये साहब थे साथ में तो हमको बचा लिया, नहीं तो हमको मार ही डालता। ठीक है राहुल, ये जनेऊ और गंगाजल वाली बात आपने अपने बयान में कही थी, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि विनय तिवारी ने जनेऊ की जो बात की थी, गंगाजल का जिक्र किया था, सौगंध दिलाई थी, क्या कुछ कहा था? अरे तो वो इतना हमको मारते मारते हमको बेहोश कर दिया उसने, मेरी हालत गंभीर देगी, तब ये साहब ने गंगाजल की कसम और जनेऊ निकाला अपना, किसे मारो मत, नहीं तो इसकी बीबी थाने में बैठी है, और तो यही इसीलिए वो भी डर रहे थे कि मर जाएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, इसीलिए वो डर रहे थे, इसीलिए उन्होंने गंगा की कसम खाई थी कि इसको मारो मत, फिर उन्होंने विकास दुबे को भी गंगा की कसम खवाई थी कि इनको मत मारो ना इनको, तब मतलब वो हमको छोड़ा उन्होंने, साहब ने तो मेरी बहुत मदद की, नहीं तो हमको मार डालता। नहीं, विनय तिवारी, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, विनय तिवारी आपको घटनास्थल पर ले गए थे, कानूनी रूप से तो ये सही नहीं है, आपसे क्या बोल के ले गए थे? अरे जो घटना 27 तारीख घटना वहां घटी रहा है ना, तो वही नहीं, आपसे क्या बोल के ले गए थे, क्या बोला कि कहाँ चलना है, क्या वजह है? अरे तो हमसे यही पूछा जहाँ तुम्हारी मतलब घटना घटी थी वहीं पे हमको ले चलो। तो विकास दुबे के सामने कैसे आ गए आप दोनों फिर? अब विकास दुबे वो हमसे बोले चलो तुम्हारी मोटरसाइकिल दिवा दे हम, तो वो मोटरसाइकिल दिवाने के लिए अभी वो उन्हें क्या मालूम था कि ऐसी घटना घट जाएगी।
तो लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने हमला बोल दिया। हमला बोलने पर मतलब हम लोग डर गए बहुत, और मार जान से मारने धमकी दे रहा था कि मार देंगे, तो हमने हमें ऐसा रहा कल ये मार देगा तो हम पे अपना मुकदमा अपना लिखाया, उस पर कार्रवाई है भाई। उसी कार्रवाई में पुलिस के आठ पुलिसकर्मी मारे गए। राहुल जरा हमें ये भी बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहेगी कि विनय तिवारी चौबेपुर थाने में आपसे क्या बातें करता था इस पूरे केस को लेकर, यहाँ पर विकास दुबे से मिलाने से पहले, सामने लाने से पहले, और क्या कुछ आपसे कहा गया था? ना ना हमसे कोई बात नहीं हुई थी उनसे, वो तो अपलीकेशन हम अपने दे आए थे, तो बस उनको उनको टाइम नहीं मिला होगा, जो कुछ हुआ हो उन्होंने हमको 1 तारीख को बुलाया था। अब ये तो हमसे बात उनसे कुछ और कुछ बातें हमसे नहीं उनसे हुई। नहीं तो क्या पहली बार ऐसा था कि विनय तिवारी आपको साथ लेकर गया हो, या पहली बार आपकी बातचीत हुई उस केस को लेकर? इससे पहले भी तो बातचीत हुई होगी ना? इसके पहले कोई बातचीत नहीं हुई, पहली बार ये चांस हमारे साथ पड़ा। इससे पहले कोई राहुल कितने लोग थे वहां पर जो आपको मार रहे थे, पीट रहे थे, जिसकी वजह से आप बेहोश तक हो गए थे? 25-30 लोग थे सर, पूरे उसकी गैंग का पूरा परिवार था उसका ना पूरा। हाँ हाँ और आदमी उसके होंगे जो आदमी है, पूरे आदमी थे उसके, और लेडीज भी थी, लेडीजों ने भी मारा मुझे। तो 25-30 लोग तो थे वहां मौके पे। तो 25-30 लोग वहां पर थे, वहां पर विनय तिवारी भी था जी। तो जब आपको वो पीट रहे थे वहां पर मौजूद लोग, विनय तिवारी क्या कह रहे थे उस वक्त? अरे विनय तिवारी ने तो हमको बचाने की कोशिश बहुत की, वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो विकास दुबे ने वीडियो भी उनका मोबाइल भी छीन लिए उनसे, और यही सब किया उन्होंने। नहीं, विनय तिवारी अगर आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर तो जो और गुर्गे थे वो तो पीट रहे थे, आपको रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो क्या विनय तिवारी का विकास दुबे से कोई कनेक्शन था या दबाव था? ये तो सर हमको नहीं मालूम कि क्या था क्या नहीं था, ये तो हमको कुछ पता नहीं। नहीं, वहां पर जो माहौल आप देख रहे थे उससे आपको क्या अंदेशा हो रहा था कि सब मिले हुए हैं क्या? अब ये तो इतना तो नहीं, इतने हम कहाँ पढ़े लिखे ना, हम गरीब आदमी गड़बड़ आदमी, इतना हमें कहाँ। नहीं बिल्कुल, आपने पूरी हिम्मत के साथ, निडरता के साथ इस पूरे केस में आपने जब जब मौका आया है शिकायत भी की है और कानूनी रास्ते पर चलते हुए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस तो हमारी बराबर मदद करती रही, जब से हमारा ये केस चला जमीनी का, जमीन का विवाद था हमारा, हमारे ससुर लल्लन के कोई लड़का नहीं था, उनके 3 लड़कियां थी, तो वही जमीनी के विवाद था हमारा, हमारी लड़ाई तो विकास से थी ही नहीं, बाल गोपिन से और सुनील कुमार और समीक्षा और शुभम, इन लोगों से मेरा विवाद चल रहा था जी। तो इसी वजह से हम मतलब वहाँ गए थे, तो वो विकास दुबे जो है ना वो बाल गोविंद का भतीजा है ना, इससे उनकी मदद करने के लिए इसीलिए हमको उन्होंने मारा। विकास दुबे ने आपको कितनी बार धमकाया? अरे धमकाया तो बहुत बार उन्होंने हमको। कितनी बार धमकाया होगा? अरे कम से कम 10-15 बार हमको धमकाया, इन धमकाते रहे, तो इसलिए हम बिकरू को जाते ही नहीं थे, वहां जाना ना हमारा था ही नहीं, हम जानते थे मेरी दुश्मनी है। अब उस दिन हम पहुंच गए साहब के सारे पहुंच गए, अब क्या जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। आप राहुल, आपके परिवार से जी मीडिया की टीम मिली थी और आपको लेकर सवाल पूछा गया था, आपकी माँ आपके परिजन कह रहे थे कि हम नहीं जानते कि राहुल तिवारी कहां पर है, हम भी लगातार कोशिश कर रहे थे आपकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी, यही बताया जा रहा था कि आप लापता हैं, कहां हैं, किसी को कुछ पता नहीं था, क्या हुआ इन 12 दिनों में? अरे हुआ क्या, हम इतना भयभीत थे कि हम छिपते छिपाते फिरते रहे हम, और जब ये विकास दुबे मर गया तब हम कुछ तसल्ली हमको मिली। आप कहां का रुके उस दौरान? अरे अपनी रिश्तेदारी, हमारी तमाम रिश्तेदारी, आज इधर कल उधर परसों उधर, ऐसे घूमते रहे हम। नहीं, एडीजी ये कह रहे थे कि पुलिस आपसे लगातार संपर्क में थी, तो आप ऐसा क्या, फिर ऐसी क्या वजह रही कि आप भागे फिर रहे थे जब पुलिस आपसे संपर्क में थी? नहीं, पुलिस हमारे संपर्क में नहीं बराबर रही है, लेकिन ये दो चार पांच दिन से हमारे संपर्क में हुए हैं। मतलब 4-5 दिन पहले पुलिस आपसे संपर्क में नहीं थी? तीन दिन हुए हैं तो हमसे संपर्क में पुलिस आई है हमारे। उससे पहले पुलिस ने आपकी सुध नहीं ली, कोई जानकारी आपके बारे में नहीं ली गई? नहीं, हमारे घर घर पे आते रहे ना वो लोग,
अब मेरी नहीं, आपकी माँ, आपकी माँ ये कह रही थी कि मैं नहीं जानती मेरा बेटा कहाँ पर है, मैं नहीं जानती हूँ, मेरी बस एक दिन बात हुई, उसके बाद मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर है। तो मेरी आपके बारे में यही बताया जा रहा था कि आप लापता हैं, आपकी लोकेशन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो माँ को किसी ने बताया नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, हमारा फोन था बंद तो हमने कुछ बताया नहीं कहाँ है कहाँ है, इसीलिए वो बता रही थी कि उस दिन से लापता, जब से मुकदमा लिखाया गया उसी दिन तेरा आप क्या इससे पहले थाने में शिकायत दर्ज करने गए थे किसके पहले उस घटना से पहले? घटना घटना से पहले कोई शिकायत शिकायत थी एक में 27 तारीख की शिकायत थी, वो 27 तारीख शिकायत की थी, वही 1 तारीख को साहब हमको ले गए थे, और जब 1 तारीख को हमको मारा पीटा तब हम गए थे कानपुर, नहीं और नहीं किसी भी, कानपुर मैं आपको बता देता हूं एक बात राहुल, एक बात समझिएगा, किसी भी शिकायतकर्ता को, किसी भी वादी को इस तरह से घटनास्थल पर नहीं ले जाया जा सकता। अब ये तो क्या कुछ तो सारा तो पुलिस आपको पर किसी दबाव में ले भरोसा जाया गया है, था, मैं यही जानना चाह रहा हूं। इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश सच जानना चाहता है, इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहता है, सच सुनना चाहता है। आप प्लीज, मेरी गुजारिश है, आपसे अपील है, आप खुलकर सच बताइए क्या हुआ था। नहीं, मैं वो दबी दबी कुछ की नहीं थी, हम पे तो पुलिस को भरोसा था, हमारी पुलिस बराबर मदद कर रही थी, बराबर जब भी हम थाने गए मेरी पुलिस ने मेरे, अरे भरोसा का जब देखो चौबोपुर थाने के थाना इंचार्ज है तो उन पर भरोसा, जनता के भरोसा का ये बताओ, नहीं तो पुलिस से घटनास्थल पर भरोसा ले गए करता। आपको, घटनास्थल पर ले गए, ठीक है कि आपको डर नहीं लग रहा था, आपको पुलिस पर भरोसा था, लेकिन घटनास्थल पर तो नहीं ले जा सकते थे वो। अब ये तो मतलब हम, ये तो हम भी नहीं और जानते किसी, और वो जिसके खिलाफ उनके, आप शिकायत कर रहे हैं उसके सामने आपको लाकर खड़ा कर दिया, ये तो कहीं भी संभावना नहीं है कानूनी तौर पर। अरे तो वो अब इतना तो हमको नॉलेज नहीं है ना, इतना हम जानते हैं, हम लोग गड़बड़ आदमी हैं, इतना इतना पढ़े लिखे हैं जो इतना हम अपना दिमाग लगाए हम। ठीक है नहीं राहुल, एक बात और बताइए कि एसएसपी ने इस मामले पे संज्ञान लिया, उसके बाद शिकायत दर्ज होती है, क्या नहीं एसएसपी से मिलने से पहले आप विनय तिवारी से मिले थे, आपने शिकायत दर्ज कराई थी? पहले जब ये मेरे पे 1 तारीख को मारपीट हुई मेरे पे, तब हम फिर साहब के यहाँ गए नहीं, किन क्या हम गए थे? फिर सीधे हम कप्तान साहब के गेरान, कप्तान साहब को फोन करूँ अपनी के अपने जो हमारी नहीं, मेरा घटना घटी सवाल वो आपसे अपनी। यह है राहुल, समझिए, आप शिकायत दर्ज कराने के लिए चौबेपुर थाने गए थे, तो जी गए तो थे हम, वहां 2 तारीख किससे को गए मुलाकात थे, हुई थी, किसी किससे बातचीत हुई थी आप आपकी? दिन में बात किसी दिन में हमको जब ये घटना घटी मारपीट जी वाली, तब हम पहुंचे कानपुर, और कानपुर जब गए तो कानपुर जाके हम एसपी साहब राहुल तिवारी, से एक एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बस ये बता दीजिए, आज से कितने दिन पहले पुलिस ने आपसे संपर्क किया था? उससे पहले पुलिस ने आपसे कोई संपर्क नहीं साधा था, कोई बातचीत नहीं हुई थी किसी की भी आपसे? नहीं, हमारी किसी दिन 1 तारीख को केवल हमको संपर्क साधा था हमें साथ में, ठीक है, और उसके पहले मतलब संपर्क तो पुलिस से बराबर रखो हम, मगर कोई ऐसी का घटना नहीं घटी जो हम पुलिस को मतलब अपना वो जाए बेर बेर थाने में। ठीक है राहुल तिवारी जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आपने बातचीत की, आपने हर बात बेबाकी से रखी, आपने निडरता के साथ उन स्थितियों का सामना किया, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना होती है, और अब 12 दिन लापता होने की बात जो निकलकर सामने आ रही थी, अब आपने सबके सामने आकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, देखना बेहद अहम होगा पुलिस की जांच में ये खुलासे कितने अहम साबित हो सकते हैं जांच प्रक्रिया में। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का, खबर में रहिए और लगातार देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।